गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने। और बहुत सारे जो हेल्थ प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के द्वारा टाइमली स्टार्ट किए गए, तो उनको वन बाय वन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको एब्रीवेशन RNTCP के नाम से अपन जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एक डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। तो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उसका इराडिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया था, जिसको अभी अपन जानते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से, या RNTCP के नाम से। तो टीबी को तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या साइन सिम्टम रहते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको अपन दूसरे फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री कि कब स्टार्ट हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तब इसका नाम था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, जो कि स्टार्ट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1962। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंक दिमाग में रखने लायक है कि इसका जो एग्जैक्ट ईयर था स्टार्ट होने का, 1962 था। बहुत सारी बुक्स के अंदर 1963 दे रखा है, जो करेक्ट नहीं है। इसका ये प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1962 बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद द हेल्प ऑफ या असिस्टेंस ऑफ WHO एंड यूनाइटेड नेशंस, कि जो फंडिंग असिस्टेंस था वो WHO और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया था, और इंडिया ने 1962 में स्टार्ट किया गया था। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तब साथ इसी के साथ में BCG इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो कंट्रोल प्रोग्राम था उसके अंदर BCG इम्यूनाइजेशन भी स्टार्टिंग में किया जाता था। लेकिन इसके बाद 1978 के अंदर जो BCG इम्यूनाइजेशन था, उसको एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इससे पहले 1962 से लेकर 1978 तक BCG इम्यूनाइजेशन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का ये एक पार्ट था। तो ये जनरल हिस्ट्री है कि 1962 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में इसका नाम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था। अब स्टार्टिंग के बाद 1962 से लेकर 1992 तक ये प्रोग्राम चलता रहा। देन इन 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ WHO एंड SIDA रिव्यूड दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को रिव्यू किया और कुछ कंक्लूजन पर पहुँचे, कुछ रिजल्ट मिला उनको, जो इस प्रकार था कि एक तो जो ये प्रोग्राम है वो मैनेजियल वीकनेस है इसके अंदर, अच्छे से ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज नहीं किया जा पा रहा है। देन इनएडिक्वेट फंडिंग, कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए या कंटिन्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है, गवर्नमेंट के पास पर्याप्त एडिक्वेट अमाउंट में फंड नहीं है कि इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। देन ओवर रिलेशन ऑन एक्सरे फॉर डायग्नोसिस, मीन्स इस टाइम तक 1992 तक जो ट्यूबरकुलोसिस था उसको डायग्नोस करने के लिए अपन सिर्फ एक्सरे पर डिपेंड थे, कोई स्पेसिफिक और टेस्ट नहीं था। तो इतनी एक्सरे मशीन या लेबोरेटरीज हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती थी, इसलिए अपन इसको डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा कोई मेथड नहीं था अपने पास, सिर्फ डायग्नोसिस के लिए एक्सरे पर ही डिपेंड रहते थे। देन फ्रिक्वेंट इंटरप्शन सप्लाई ऑफ ड्रग्स, कि जो ड्रग्स थी उनकी भी एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाती, और जब सप्लाई भी एडिक्वेट नहीं होती तो अपन पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते। देन लो रेट्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन, देन इसका जो ट्रीटमेंट था वो भी बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ती, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता, लंबे टाइम तक 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल तक लेना पड़ता, तो ज़्यादातर पेशेंट्स पूरा कंटिन्यूस नहीं ले पाते, इसलिए पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता और उनकी डिजीज ठीक नहीं होती। तो इस तरह से 1992 में गवर्नमेंट कंक्लूजन पर पहुंची कि ये अपना नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, अपने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, इन 1993 नेक्स्ट ईयर में
1993, the National Tuberculosis Control Program was renamed as the Revised National Tuberculosis Control Program. कि 1993 में इस प्रोग्राम को रीनेम किया गया एज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विथ द इंटरनेशनली रिकमेंडेड डोट्स थेरेपी. इसके साथ इस प्रोग्राम के अंदर रिकमेंडेड की गई डोट्स थेरेपी जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड की जाती है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए WHO के द्वारा. तो ये थी हिस्ट्री जनरल कि 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देन 1992 में जो इवैल्यूएशन किया गया इसका, देन 1993 में इस प्रोग्राम का नेम चेंज करके रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RNTCP कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे 1993 में. तो फर्स्ट दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था अचीवमेंट ऑफ एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस थ्रू डोट्स थेरेपी, कि जो ट्यूबरकुलोसिस के जितने भी केस हैं उनमें से 85% केस को मीन जो डायग्नोस हो रहे हैं उनमें से 85% केस को डोट्स थेरेपी के द्वारा क्योर करना या उनका ट्रीटमेंट कर देना. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव था अगमेंटेशन ऑफ केस फंडिंग एक्टिविटीज थ्रू क्वालिटी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी, कि अगमेंटेशन ऑफ केस फाइंडिंग एक्टिविटीज कि जो केस को डिटेक्ट करने का पहले क्या सिस्टम था कि अपन एक्सरे के थ्रू डिटेक्ट करते थे, लेकिन इसके साथ ही इस डोट्स थेरेपी के अंदर अपन स्प्यूटम कल्चर के द्वारा टीबी को डिटेक्ट करते थे थ्रू माइक्रोस्कोप. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि माइक्रोस्कोप के द्वारा एटलीस्ट जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनमें से 70% केस को स्प्यूटम कल्चर के द्वारा डिटेक्ट करना. तो दो मेजर जो ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट था कि 80% पेशेंट को डोट्स के द्वारा क्योर करना, और सेकंड था 70% लोगों को डिटेक्ट करना स्प्यूटम कल्चर के द्वारा टीबी को डिटेक्ट करना. देन क्या एक्टिविटीज़ हुई, कैसे क्या स्टार्ट हुआ, तो अपन ने पढ़ा कि 1993 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1993 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट मीन्स छोटे प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया गया. और इसके बाद 1998 के अंदर लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन हुआ मीन्स बड़े तौर पे ज़्यादा एरिया के अंदर इसको 1998 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन फिर भी ये पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाया. लगभग सन 2000 तक इंडिया की 30% पॉपुलेशन को इस प्रोग्राम ने कवर किया था. देन 2004 के अंदर लगभग 80% पॉपुलेशन कवर्ड हो गई, और इन 2006 के अंदर लगभग ऑल कंट्री पूरी कंट्री में ऑल ओवर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया या टोटल पॉपुलेशन को कवर कर लिया गया. देन रिवाइज्ड स्ट्रेटजी कि जो प्रोग्राम रिवाइज्ड किया गया RNTCP, तो इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी बनेंगी, कैसे क्या करेंगे. तो इसकी स्ट्रेटजी इस प्रकार थी. फर्स्ट वन अगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में दोनों लेवल के बीच में लिंक बनाना अच्छे से ताकि फंडिंग के लिए दोनों मिल के कॉरपोरेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए. देन यूज स्प्यूटम टेस्टिंग एज प्राइमरी मेथड ऑफ डायग्नोसिस कि पहले अपन एक्सरे को यूज करते थे, लेकिन RNTCP के अंदर हम स्प्यूटम टेस्ट को प्राइमरी मेथड के रूप में यूज करेंगे. देन स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमन कि इसके अंदर जो अपन ट्रीटमेंट रेजिमन यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो रेजिमन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डोट्स थेरेपी के अंदर रिकमेंडेशन किया जाता है. डोट्स थेरेपी के अंदर जो रेजिमन अपन यूज करते हैं वो अपना इंडिया का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का WHO रिकमेंडेड रेजिमन है. देन इंश्योरिंग रेगुलर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग कि जो ड्रग्स की सप्लाई वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए. देन एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग लोग ट्रेनिंग देना. देन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस डेवलप करना. देन ऑपरेशनल रिसर्च एंड NGO इन्वॉल्वमेंट जो दूसरे NGO है उनको भी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करना. देन इंक्रीज्ड बजट
जो बजट है उसको जितने भी पॉसिबल सोर्स है उनके द्वारा इस प्रोग्राम के लिए बजट को इंक्रीज करना। देन कंपोनेंट्स ऑफ डोट्स थेरेपी, कि डोट्स थेरेपी के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, तो इसके कुछ मेजर फाइव कंपोनेंट है जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन, पॉलिटिकल विल इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। देन सेकंड कंपोनेंट, केस डिटेक्शन विथ द हेल्प ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड स्प्यूटम मेजर, स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, कि स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी के द्वारा केस का डिटेक्शन करना। देन रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की रेगुलर सप्लाई करना। देन डायरेक्ट ऑब्जर्वड ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाइल पेशेंट इज गेटिंग ट्रीटमेंट, कि जब भी पेशेंट को डॉट्स थेरेपी दी जाएगी तो उसका डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, मीन्स उसको अंडर सुपरविजन ड्रग्स दी जाती है। जैसा आपको पता होगा डॉट्स थेरेपी के अंदर पेशेंट सप्ताह में वीक में 3 दिन ड्रग्स लेनी होती है, तो 3 दिन वो पीएचसी सीएससी पे जाएगा या जो डोट्स प्रोवाइडर का काम करता है हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर या आशा, उसके सुपरविजन के अंदर उसको ड्रग्स दी जाती है ताकि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके और अपने को भी एश्योर हो कि उसने अपनी ड्रग्स टाइमली ली है। देन सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग होती है इस प्रोग्राम की। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट स्टेट लेवल, कि जो अपना आरएनटीसीपी प्रोग्राम है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेट लेवल पे, तो जैसा कि हेल्थ सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री, देन हेल्थ सेक्रेटरी, उसके बाद जो अपना आरएनटीसीपी प्रोग्राम है इसको भी जब 2005 के अंदर एनआरएचएम प्रोग्राम बनाया गया था तो इसको भी इसी के अंदर आरएनटीसीपी को एनआरएचएम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, तो इसके अंदर ही आता है। देन दो डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टेट टीबी सेल। देन उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपन बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इस तरह से होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। देन इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स के बाद माइक्रोस्कोपी सेंटर होते हैं जहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे कि पीएचसी पे सीएचसी पे। देन डॉट्स सेंटर होते हैं जो डॉट्स थेरेपी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये सब सेंटर आंगनवाड़ी सेंटर या जो भी वॉलंटरी हेल्थ वर्कर होते हैं एनजीओ होते हैं वो डॉट्स सेंटर के रूप में फंक्शन कर सकते हैं या डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस ऑफ टीबी इन आरएनटीसीपी, कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर टीबी को डायग्नोस करने के लिए अपन स्पूटम स्मीर टेस्ट का यूज करते हैं या स्पूटम कल्चर के द्वारा किया जाता है। तो कैसे करते हैं इसके लिए एक सिस्टम होता है कि सबसे पहले अपन टीबी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर किसी को 2 सप्ताह या 2 वीक से ज़्यादा की खांसी है तो उसको टीबी, वो के लिए अपन मानते हैं कि मैं भी इसको टीबी हो सकती है। तो अगर किसी को कफ फ्रॉम 2 वीक और मोर 2 वीक से ज़्यादा की खांसी आ रही है तो क्या करते हैं अपन, 2 स्प्यूटम स्मीर लेते हैं, 2 सैंपल लेते हैं स्प्यूटम के। अगर इनमें से एक और दो, अगर एक सैंपल या दोनों सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो अपन इसको मानते हैं टीबी पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन अगर दोनों सैंपल नेगेटिव आए तब क्या करेंगे, तो दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर अपन एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करते हैं 10 to 14 days, 10 to 14 days एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करते हैं। ड्रग्स यूज करने के बाद अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, फिर से उसको ऐसे ट्यूबरकुलोसिस लाइक सिम्टम आ रहे हैं तो फिर से 2 स्प्यूटम स्मीयर सैंपल लेते हैं अपन। अगर उनमें से एक या दो पॉजिटिव आ जाए तो टीबी मानते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, और मान लो फिर भी एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी अगर दोनों सैंपल नेगेटिव आते हैं तो अपन क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड है तो टीबी का इलाज स्टार्ट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं
स्प्यूटम स्मीर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस, और अगर एक्सरे में भी नॉर्मल्स दिख रहा है अपने को तो उसको ट्यूबरकुलोसिस के अंदर काउंट नहीं करते। तो इस तरह से ये डायग्नोस्टिक सेटअप होता है या शेड्यूल होता है टीबी को डायग्नोस करने का। देन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2012 टू 2017 कि इन 12th 5-year प्लान्स 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था टीबी को कंट्रोल करने के लिए, जिसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस प्रकार थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बेसिक डोर सर्विसेज, कि जो डोर सर्विसेज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। देन फर्दर स्ट्रेंथन एंड अलाइन विथ हेल्थ सिस्टम अंडर NRHM, कि जो अपना हेल्थ सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ही भी स्ट्रेंथनिंग करना। देन डेवलपिंग इम्प्रूवड रेपिड डायग्नोसिस ऑफ फील्ड लेवल, कि जो फील्ड लेवल है वहाँ पे टीबी के डायग्नोसिस को और इम्प्रूव करना, रेपिडली डिजीज़ को डायग्नोस करना। देन एक्सपांड एफर्ट टू इंगेज ऑल केयर प्रोवाइडर, कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे वो मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन सबको इस प्रोग्राम के अंदर इंगेज करना। देन स्ट्रेंथन अर्बन टीबी कंट्रोल, अर्बन टीबी कंट्रोल को स्ट्रेंथ करना। देन एक्सपांड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, या जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है उसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना। देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। देन प्रमोट रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्रूव टूल्स एंड स्ट्रेटजी। तो ये सारे मेजर ऑब्जेक्टिव थे नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान 2012 टू 2017। देन इसके बाद नया नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान बनाया गया 2017 टू 2025, और इसका टारगेट रखा था एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाई 2025, कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस 2017 टू 2025 एलिमिनेशन बाई 2025। तो इस स्ट्रेटेजिक प्लान का जो गोल था वो इस प्रकार था, विजन गोल एंड टारगेट ऑफ देयर NSP प्रपोज बोल्ड स्ट्रेटेजिक विथ रैपिड डिक्लाइन टीबी इंसिडेंस एंड मोर्टलिटी इन इंडिया बाई 2025, कि 2025 तक जो टीबी के केस है और जो टीबी के इंसिडेंस है उनको कम करना। देन टीबी को ग्लोबली एंड करना, पूरी तरह से टीबी को ख़त्म कर देना, ये इसका विजन था। टीबी फ्री इंडिया विथ जीरो डेथ डिजीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू टीबी, कि टीबी के कारण होने वाली डेथ को जीरो कर देना, ये इसका विजन था। देन गोल भी यही था कि टीबी मोर्टलिटी मोरबिडिटी को ख़त्म करके एकदम 2025 तक अपने को टीबी पूरी तरह से फ्री कर देना है, इंडिया को टीबी फ्री बना देना है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान था जो 2017 में बनाया गया, 2017 से 2025 नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन बाई 2025। अब इस प्लान को बनाने के बाद 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने जो स्टेटिकल डाटा थे उनका रिव्यू किया, तो अपने को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे कि टीबी इंसिडेंस रेट थी 1 लाख लोगों पर, वो 2015 में थी 217, जबकि 2020 में हो गई 124। और इसी तरह गवर्नमेंट ने टारगेट लिया कि 2023 तक इस इंसिडेंस रेट को हम कर देंगे 77, और लगभग 2025 तक 44। उसी तरह प्रिविलेंस रेट थी वो 1 लाख लोगों पे 320 थी 2015 में, 2020 के अंदर 170 हो गई। और मोर्टलिटी रेट थी वो थी 32 2015 में, एंड 2020 में हो गई 15। तो इस तरह से ये स्टेटिकल रिव्यू करने पर कंक्लूजन निकला कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है, और इस हिसाब से अगर अपन इम्प्रूवमेंट करते रहे तो लगभग 2025 तक टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे।
तो इसी ऑब्जेक्ट से इन जनवरी 2020 2020 जनवरी 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, रीनेम्ड द नेशनल रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम टू द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। किस प्रोग्राम को, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को रीनेम करके नेम चेंज कर दिया गया या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और टारगेट है इस प्रोग्राम का कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो ये था अपना आज का रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी हिस्ट्री, देन स्ट्रेटजी, और आगे का जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके बारे में।